साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार सब लोगों को। जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होकर एकाग्रचित्र होकर काम कर रहे होंगे। तो चलिए इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को। तो क्या है समसामयिक घटनाक्रम, 13 सितंबर से संबंधित, इसी पर एक नजर डालें और इन सभी तथ्यों को ध्यान रखने और याद रखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो 13 सितंबर को जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैंने यहां पर कलेक्ट कर दिया। तो इन सब जो भी करंट अफेयर आ रहा है उसको ध्यान रखें और आपको यह भी ध्यान रखना कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक जो भी क्लास होगा करंट अफेयर का, उसका क्वेश्चन आवर सैटरडे के नाइट में होगा और उस दिन सैटरडे के नाइट में कुछ न कुछ एक विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर एकदम गंभीरता से नजर डालें। पहला, बिहार से एक न्यूज है कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए पेट्रोलियम तथा गैस से संबंधित कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया आज ही के दिन और ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आर्थिक क्षेत्र से, क्योंकि यहां पर ये जो शुरुआत हुआ है योजनाओं का ये खास करके एलपीजी के सप्लाई में काफी मददगार होगा। एलपीजी जो डोमेस्टिक फ्यूल है, घरों में ईंधन के रूप में यूज होता है, उसके बेहतर सप्लाई और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने ये 3 नई योजनाओं को शुरू किया। पहला कि दुर्गापुर बांका पाइपलाइन, एक्चुअली में ये पारादीप हल्दिया और दुर्गापुर जो पाइपलाइन है उसी का ये एक हिस्सा है जो बिहार के हिस्से में दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का उद्घाटन हो गया, ध्यान रखना। साथ ही पूर्वी चंपारण के सुगौली में एलपीजी के एक नए प्लांट और बांका में ही एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ। तो 3 बड़ी योजना है तेल एवं पेट्रोलियम से संबंधित तथा गैस से संबंधित और ये योजनाएं जो भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है किस जगह पर है, किस जिले में है, ये आप ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो कि पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के हिस्से के अंतर्गत दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ, दूसरा पूर्वी चंपारण के सुगौली में एलपीजी प्लांट का और बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ, तो ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास समझते होंगे, पेच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, इसकी शुरुआत हुई, ये ध्यान रखना। तो नाम है अंडरपास और ये है कहां पर, पेच टाइगर रिजर्व एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ध्यान रखना है कि अंडरपास NH 44 पर है, मतलब नेशनल हाईवे 44 पर, और एमपी में है पेच टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखना है यह जो बनाया गया अंडरपास यह जानवरों के ध्यान में रखकर के बनाया गया है कि जानवर को एनएच पर ना पड़े और एनएच के नीचे से वो पास कर जाए। तो अंडरपास बनाया जाता है सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड के तौर पर ताकि सड़क को पार करने में सुविधा हो और गाड़ियों का किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास है और ये NH 44 पर है। और NH 44 को जानना है कि भारत का सबसे लंबा NH है जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा जो NH है उसी पर ये सबसे बड़े अंडरपास का निर्माण किया गया जो पेच टाइगर रिजर्व एमपी में है। और ये ध्यान रखना है कि पास जानवरों के लिए बनाया गया, तो ध्यान देना है। आगे चलें तो एक दुखद न्यूज है बिहार से और भारत के लिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, जो बहुत ही बड़े और वरिष्ठ नेता थे, केंद्र स्तर के भी और राज्य स्तर के भी, आरजेडी के भी बड़े नेता थे, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही आरजेडी से इस्तीफा भी दिया। ध्यान रखना है कि कोविड संक्रमण के कारण इनकी स्थिति तबीयत खराब थी, बीच में ठीक हो गए, फिर इनको एम्स में भर्ती किया गया और वहीं उन्होंने अंतिम सांस लिया। ध्यान रखना है कि रघुवंश बाबू को या रघुवंश प्रसाद सिंह को 2 इम्पोर्टेंट योजनाओं को लिए याद किया जाता है, एक PMGSY और एक है मनरेगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों के अद्भुत कार्य के लिए इनको याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
जो आज बिहार में गांव गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम है, ये इन्हीं के मंत्री रहते काल में हुआ। साथ ही मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको लाने के लिए भी इनका नाम या इनका योगदान को याद किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, रघुवंश प्रसाद सिंह की असामयिक मृत्यु हो गई, जो अभी काफी कुछ दे सकते थे राज्य को, देश को। तो चलिए आगे चलते हैं, और ध्यान रखना है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन, तो भारत में बनने वाली बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन नाम है इसका। तो वैक्सीन जो भी आ रहा है कोरोना से संबंधित, उसको ध्यान रखना है। कोवैक्सीन का जानवरों पर सफल परीक्षण हुआ। तो ध्यान रखना है कि मानव ट्रायल से पहले जानवरों पर ट्रायल होता है, और जानवर का ट्रायल जो हुआ ये सफल हो गया, और ये ट्रायल जो हुआ था ये ध्यान रखना है कोवैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल करके देखा गया, तो बिल्कुल ये सफल हुआ, क्योंकि इस वैक्सीन से बंदरों में जो रक्त होता है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण पाया गया। तो ये एक अच्छा न्यूज है कि आने वाले समय में हो सकता है ये कोवैक्सीन मानवों पर भी सफल हो जाए, और इस कोरोना के संक्रमण से हम लोग मुक्त हो जाए। तो ध्यान रखना है। एक और दुखद न्यूज है, अनुराधा पौडवाल जो एक बहुत चर्चित प्लेबैक सिंगर हैं, और ये पुराने समय में अपने गानों के लिए याद किए जाते हैं, इनके बेटे आदित्य पौडवाल का भी निधन हो गया, और इनमें निधन का कारण इनकी किडनी प्रॉब्लम और किडनी फेल होने की वजह से इनके पुत्र आदित्य पौडवाल का मात्र 35 साल की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर ये निधन या आदित्य पौडवाल को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आदित्य पौडवाल के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। ये ध्यान रखना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम से, और किसके लिए, तो सबसे कम उम्र में संगीतकार बनने के लिए। तो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में सबसे कम उम्र में म्यूजिक डायरेक्टर का काम करने वाले आदित्य पौडवाल को गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है, और इसीलिए इनके मृत्यु को ध्यान रखना है, हो सकता आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। आगे चलें तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज है आर्थिक क्षेत्र से। एक, ईरानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। तो ईरान पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में है, और बड़े पैमाने पर यहां से पेट्रोलियम का निर्यात होता है, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से ईरान द्वारा पेट्रोलियम को बेचने पर प्रतिबंध है, और इसी के कारण ईरान का मुद्रा समय के साथ गिरता चला जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, और ये गिरते गिरते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, और ये निचला स्तर जो है ध्यान रखना है कि एक डॉलर के मुकाबले ईरान के मुद्रा का वैल्यू 2 लाख मुद्रा है, और ईरान का मुद्रा जो है वो रियाल है। ये ध्यान रखना, तो पूछा जा सकता है अक्सर कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो रियाल है। मतलब एक डॉलर अमेरिकी अगर लेंगे तो इसके बदले आपको 2 लाख ईरानी रियाल देना पड़ेगा। तो ये एक ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है, ये ध्यान रखना। आगे चलें तो अमेरिका के लिए भी एक दुखद न्यूज है आर्थिक क्षेत्र में, कि अमेरिका का डिफिसिट इस वर्ष के पहले 11 महीने में 3 लाख करोड़ डॉलर हो गया। तो ध्यान रखना, डिफिसिट समझते होंगे फिजिकल डिफिसिट, जिसको बजट घाटा कहते हैं, कि आय से ज्यादा अगर व्यय करेंगे खर्च करेंगे तो घाटा हो जाएगा, और यही हर देश के साथ होता है। और कोरोना काल में अमेरिका ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अपने लोगों को, अपने नागरिकों को सहायता देने के लिए काफी पैसे खर्च किए सरकार के, और इसी के कारण से इनका घाटा बढ़ करके 3 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया। तो ये ध्यान रखना है कि एक बड़ा बजट घाटा है जो अमेरिकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ध्यान रखना है, भारत में अक्सर बजटीय घाटा प्रस्तुत किया जाता है, और अमेरिका जैसे एक विकसित देशों के बजट में इतना बड़ा घाटा हो जाना दुनिया के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। आगे चलें तो खेल क्षेत्र से एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। यूएस ओपन चल रहा है, और यूएस ओपन के फाइनल में थीम ने जगह बनाया, और थेन के मुकाबला जेवरेव से होगा। तो ध्यान रखना है, थीम कहां के रहने वाले हैं, तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया नहीं। और ऑस्ट्रिया के ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन में जगह बनाया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराया,
और एलेक्स डी मिनोर को हरा करके फाइनल में अपना जगह बनाया, जिनका मुकाबला जर्मनी के जेवरेव से होगा। तो ध्यान रखना है फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी थियम है, और यूएस ओपन के इतिहास में जो पुरुष युगल चल रहा है उसके लिए एक बड़ा न्यूज है। इसमें बिग थ्री में से कोई नहीं है, रोजर फेडरर नहीं है, राफेल नडाल नहीं है, और ना ही रोजर फेडरर है और नोवाक जोकोविच, तीनों में से कोई नहीं खेल रहे। और जो भी फाइनल जीतेंगे वो इनके लिए पहला जीत होगा, यूएस ओपन को एक नया विजेता मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो थियम का नाम याद रखना जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं ये। तो यही था आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम समसामयिक, जिसको आप याद रखें जिससे कुछ सवाल आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और शाम में क्वेश्चन आवर होगा केमिस्ट्री का। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन आवर के लिए रेडी रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ बनाए रखें। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, और देश एकता अखंडता के लिए बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।